The next day, the hunting party embarks on their journey to gather the honey. The party moves through the dirt tracks in the jungle, crosses a lot of river streams, brooks, meadows. Heart in heart, they are happy that they will be going on such a hunt. Immediately after setting the base camp, the hunting party starts their preparation for the next day's hunting program. This requires preparation of rope ladders, for inviting me. Chi Lupu, the Setupen honey hunters, iska matlab ye hai ki chi jo Setupen language mein hai, aapka West Kaming site mein hai, ye community rehte hai. Chi mane honey aur Lupu mane hunter. Jo honey ko hunt karte hai, unko Chi Lupu kehte hai. तो हमारे यहाँ के बेल्ट में ये जंगलों में जाके लोग जो हनी हंटर्स लोग टीम वहाँ जाके वहाँ में जितना भी टूल्स वगैरह बनाते हैं जो जंगल से ही आपका वाइल्ड वाइन जो रस्सी हो गया जंगली रस्सी आपका सीडी वगैरह जितना भी है और जितना भी टूल्स है वो पूरा इंडिजिनसली वहाँ खुद बास्केट वगैरह सब इंडिजिनसली प्रिपेयर होते हैं उसको लेके टीम वहाँ जाके कैंप करके उसके बाद अगले दिन काफ़ी दूर जंगल जाना पड़ता है लगभग 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है जंगल में इसलिए वो जंगल में जाके कैंप बनाते हैं कैंप बनाने के बाद अगली सुबह जाके आपको पहाड़ों से काफ़ी ऊंची पहाड़ों से आप हार्वेस्ट करते हैं यानी जो पहले ज़माने में क्या था कि आपका दवाई वगैरह नहीं था मेडिसिन वगैरह तो ये हनी जो है ये कम्युनिटी वाले लोग इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते थे और स्वीट के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे जिस तरह से अभी समय तेज़ी से बदल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं तो क्या हो गया कि ये प्रैक्टिस इंडिजिनस प्रैक्टिस है अभी तो लगभग ख़त्म है 2 साल के अंदर में तो लगभग ये प्रैक्टिस तो ख़त्म ही हो जाएंगे इसलिए हम लोगों ने ये लगा कि हम लोगों की ये डॉक्यूमेंटेशन वीडियो डॉक्यूमेंट के थ्रू से ही हम ये प्रैक्टिस को प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि आजकल के लोग क्या हो गए कि मॉडर्नाइजेशन में कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अभी पढ़ाई लिखा में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अलग अलग बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आपको कमर्शियली रन हो हनी हंटिंग लाइक ये 2-3 साल के बाद में प्रैक्टिस भी ख़त्म हो जाएगा फिलहाल मैं और एक डॉक्यूमेंट्री हमारे सेटुपेन कम्युनिटी के एक हिक्सावा फेस्टिवल है तो बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है तो हमारा उसका अभी लास्ट ईयर ही हमारा ये वीडियो शूटिंग वगैरह तो हो गया अभी एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन पीरियड में है तो शायद ये साल में ये रिलीज़ होगा खिक्सा भी तो फीचर लेंथ भी होगा एक शॉर्ट भी होगा ये भी क्या है कि हमारा कम्युनिटी के ये फेस्टिवल को प्रिजर्व करने के विचार से इसको हम लोग बना रहे हैं एंड मेरा और फ्यूचर प्रोजेक्ट है स्क्रिप्ट रेडी है मेरा फादर भी एक श्री डी के थोंगडोक इज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश वो भी फिल्म ये सब में काफ़ी इंक्रेज करते हैं तो उनका एक स्क्रिप्ट है काचिंग को बोल के जो रेडी है तो जैसे हमारा लगभग एक दो साल बाद में हम लोग उसको शुरू करेंगे फीचर लेंथ मूवी होगा उसको भी कम्पिटिटिव लाइन और फिल्म फेस्टिवल में सबमिट करेंगे और एक शॉर्ट मूवी भी है बान जो स्क्रिप्ट रेडी है थैंक यू वेरी मच